एक बम जिसके विस्फोट से इंसान के फेफड़े फट सकते हैं। धमाके के बाद लंबे समय तक टिकने वाली तरंगे इंसानी शरीर को पल भर में भाप में बदल देती हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक फादर ऑफ ऑल बम थर्मोबैरिक बम, जिसने पलक झपकते ही तबाही मचा दी। ऐलाने जंग में रूस ने यूक्रेन पर घातक वैक्यूम बम बरसाए, जिसने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई। यूक्रेन में वैक्यूम बम के इस्तेमाल से आम नागरिकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि वो यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। तो समझते हैं वैक्यूम बम क्या होते हैं और इसके इस्तेमाल के बाद रूस के खिलाफ वॉर ऑफ क्राइम का मुकदमा क्यों चलाया जा सकता है। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना माराकोव ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुकी हैं। रूस यूक्रेन में जबरदस्त विस्फोट करने वाले थर्मोबैरिक रॉकेट या कहें वैक्यूम बम को दागने के लिए TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वैक्यूम बम को दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम में गिना जाता है। मतलब ये न्यूक्लियर बम तो नहीं होता, लेकिन उतना ही घातक होता है। वैक्यूम बम आसपास की हवा से ऑक्सीजन को सोखकर एक हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करता है। इस बम से विस्फोटक सामग्री कई किलोमीटर फैल जाती है और एक ब्लास्ट वेव पैदा होती है जो आम विस्फोटकों की तुलना में ज्यादा देर तक रहती है। वैक्यूम बम में दो अलग अलग एक्सप्लोजिव चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। इस बम को रॉकेट के रूप में लॉन्च किया जा सकता है या एयरक्राफ्ट से बम के रूप में गिराया जा सकता है। जब ये वैक्यूम बम अपने लक्ष्य से टकराता है तो पहले एक्सक्लूसिव चार्ज कंटेनर को खोलता है और बड़े पैमाने में फ्यूल मिक्सचर को बादल के रूप में बिखेर देता है। इसके बाद दूसरा चार्ज इस बादल में विस्फोट करता है, जिससे एक विशाल आग का गोला पैदा होता है और जोरदार विस्फोटक तरंगें निकलती हैं और एक वैक्यूम बन जाता है जो आसपास के ऑक्सीजन को चूस लेता है। आम विस्फोटकों की तुलना में वैक्यूम बम कई गुना ज्यादा एनर्जी और शॉक वेव पैदा करता है। ये बम मजबूत इमारतों उपकरणों को नष्ट करने के साथ लोगों की जान भी ले सकता है। आधुनिक थर्मोबैरिक हथियारों का विकास सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दशक में शुरू किया था। इन हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने किया था। इसके बाद 70 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिका ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में इसका यूज किया था। इसके अलावा रूस पर 2016 में सीरिया में भी इसके इस्तेमाल का आरोप है और अब 2022 में यूक्रेन में भी रूस पर इसके इस्तेमाल का आरोप है। हम आरोप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई देश इसका इस्तेमाल आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों या अस्पतालों में निशाना बनाने के लिए करता है तो उसके खिलाफ हैग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है। वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने उसके आम नागरिकों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए वॉर क्राइम किया है। युद्ध अपराधों को तय करने के लिए दुनिया में दो इंटरनेशनल कोर्ट हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ। इन आरोपों के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में कथित वॉर क्राइम की जांच शुरू कर दी है। लेकिन ICC के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है और संदिग्ध को अरेस्ट करने के लिए उसी देश की पुलिस पर निर्भर होता है ICC। इसके साथ ही रूस ICC का सदस्य नहीं है। ऐसे में ये कोर्ट पुतिन या रूस के अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती है। अगर ICJ की बात करें तो ICJ UN का अंग है और दो देशों के बीच विवाद का निपटारा करता है। अगर ICJ इस मुकदमे में रूस के खिलाफ फैसला देता है तो उसे लागू कराने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की होगी। लेकिन रूस UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है और वो इस फैसले के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करके इसे लागू करने से रोक सकता है। तो रूस खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने के बाद भी मुकदमे और सजा से बहुत दूर है। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।